सब भाई बहनों के पला खूब हाल रहा, जी रहा, जाग रहा। भाई बहनियों, आज मैं तुमको बताऊँ लिंगोड़ा के बारे में। लिंगोड़ा हमारे जिस गांव में हो और यो ये जाग पाई जा, जाके थोड़ा सा जो है नमी रहो, जैसे गाढ़ गधेरा किनारा में पाई जाए। और ये उस बहुत गुणकारी होस, और ये मैं ध्यान ले रखन से कि ये कहीं ज़्यादा लेना खान से बहुत ज़्यादा खान में एक नुकसान ले हुनी। तो भाई बहनियों यो याद रखन में लिंगोड़ जो से ये बोटेनिकल नेम कनी डिप्लेजियम एस्कुलेंटम और ये थे फिडल हेड फन लकनी। तो ये जो फैट्स हैं उन बहुत बढ़िया बढ़िया फैट्स हैं, ये में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होस, और ये में आयरन पाई जा बहुत मात्रा में, फाइबर ले बहुत होनी है में बढ़िया, और यो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करा, और ये में कम सोडियम होस और पोटेशियम ज़्यादा हो। तो अगर कई लोगों के सोडियम में कमी वाव सब्जी चाहें तो उन्होंने यो बहुत गुणकारी सब्जी छ। तो ये में बहुत ध्यान रखने बात है कि लेकिन हमारे जंगलों में हो तो ये में जैसे काफ़ी जो है और ले में माइक्रोब्स होनी जिन्होंने कि हमें के बीमारी है सके। तो इसलिए ध्यान रखन भाई कि ये जैसे सफाई बहुत जरूरी छ। तो ये मैं आज तुमको बताऊँ कि ये हम साग जैसे कशिन बनोनी, तो सब है पहले हमूल करन से कि ये मैं जैसे एक जैसे बहुत बढ़िया में सफाई कर लेन छ। और यन जो या किन यन छे किनार यन इनों के बहुत बढ़िया बात धोयन छ, और ये में है जुड़े ये में एक्स्ट्रा मटेरियल छ वो निकाल देन गए, ठीक छे ने। तो यो बिल्कुल ध्यान है लियो जो छ सब यो बढ़िया बात धोए बेर साफ पैन में धोयन भे, और साफ पैन में जाके जो है 3-4 पैन में जाके धोए देन भे, और फिर यह जो छे अब देखा एक जो सफाई करण छ वो क्वेश्चन करण छ यो एक जो रेशे रेशे जा सीन किनार किनार में ये निकाल दिन से सब, ताकि जिले में कोई गंदगी वगैरह हो तो वो सब साफ हो जाए। सफाई के में बहुत ध्यान रखन छ किले कि कुछ जाति ये यश में चैन जमे कि कुछ नुकसानदायक गुण ले हुनी है में। तो नंबर एक तो ये बहुत ज़्यादा न खान चाहें, यशने कि आप रोज रत्ते ब्याव यही के खनार सा तसलन न करन चाहें विमले ये में नुकसान छ। और दूसर जो एक जैसे एक सफाई बहुत बढ़िया में करनी चाहिए कि निकले कि यह जंगलों में पाई जा, तो जंगलों में पाई जा तो ये कारण जैसे में बहुत माइक्रोब्स होनी, तो उन जूसें जीवाणु जिनों थे कनी जीवाणु कीटाणु तो उन जूसें प्रॉब्लम कर सकनी। तो इसलिए एक सफाई बहुत जरूरी है, और ये मैं भैर बटी के रेशे रेशे जैसे निकाल दिन से और निकाल भी रह गई और जैसे नन नन टुकड़ा में एक काट सकनी। और ये काट भी जैसे बीन एक सब्जी बनोनी सीमिक साग बनोनी जैसे आलू शीत मिला भी रह कर सकता, और ले तुम कई चीज़ें में मिलान चाहता मिला सकता। तो आप यो जैसे इसी नन नन टुकड़ा में यो काट देने से पहली, और बीच बीच में एक रेशे जूसे उन साफ कर बेर अलग करन से। यो देखा भाई बहनियो अब हमूल इन सब काटली, यह तो बड़ा लिंगोड़ हमूल साफ कर बेर इन बढ़िया मैं काटली। यह देखा यो इसी अब हम अगल का इन्हें सब्जी बनोल, और जो इन्हें रेशा से यानी से रेशा निकल जानी है मेन इन सब निकाल भाई, ठीक ना। अब ये नमूल देखा यो काठले ये में मिलोना नमूल प्याज, और यो छ मार्च हरियो मार्च यो आद आद कोरबेर और यो छ ये में आलू हमू नन नन काट ली है देखा, ठीक छे ने। और ये में और चीज़ है तो मिला सकता लोशन वगैरह खींच सकता, और ये से मशाल तो यो ये तो ये में तेल लिया गया देखा कढ़ाई में। तो अब हम जो है एक सब है पली
ये में कितना रहा जीर, यो तेल के थोड़ा सा जो है गरम कर लेन भाई, ताकि जीर आराम मिल, ये में भुनी जाओ। तो अभी 2-3 मिनट बाद जो तैयार है वो, यो ही मैं ध्यान आ रखिया कि अगर जो है लोहा कढ़ाई में बना ला तो और बढ़िया हो, ठीक है ना, जो एनोडाइज्ड छो लेकिन जो है लोहा कढ़ाई में और ले बढ़िया हो। और लोहा कढ़ाई में ध्यान रखन में कि मैं खै न लागन चाहे, और आप उंगलियो और यो ध्यान रखन यो छे कि धीमी आँच में करन छे। आप इन की तली आलू, आलू जो है इन नन नन काटवे, इनमें हम आल की तली, और आल के हम करीब आधो मिनट देने गए इसमें मिशोन, और फिर ये मैं स्वाद के अनुसार जिसे आप लोग दस ले तमों का लागनी मशाल की दिया घर पिशाक मशाल, और हाउद खिता लून खिता, ये सब अपन स्वाद के अनुसार कितन से तमूल कितु दस तमो का लगा। कोई लोग कम लून खानी, कोई लोग ज्यादा खानी मशाल, कोई कम खानी कोई ज्यादा खानी, तो वो दस ले तमो का स्वाद लगा हमें तो वो तुम खींच सकता, ठीक है ना। इनमें क्या ही मैंडेटरी नहीं कि तुम भाई एक चम्मच चितन से दो चम्मच चितन से, तो तुम अगर दस कम लून खान से कम खिता ज्यादा खान से ज्यादा खिता, तो हमूल यो एक चम्मच में लून खिते ये चम्मच दिखाया, और ये चम्मच लनाने में दस मोर स्वाद के अनुसार इनमें जो है हाउद खिते और ये मशाल की थी, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोग लेकिन बढ़िया है एक फिर मसाला खींच बेर करीब आधो मिनट में फिर मिक्स कर दी, और बिल्कुल हल्की आंच में गरम से। तो अब ये देखा हमारी आलू बिल्कुल सब चीज जो हमून मिला है जो सब बिल्कुल तैयार हैगी। तो ये कहें हमून करीब आधो या आधो मिनट में जने करे हो, लेकिन तुम एक ज्यादा लेकर सकता, ये कहें कि आल बली पका ला सकता 2-3 मिनट के जने के रख सकते हल्की आँच में, और ढक्कन रख दे। और फिर भी बाद हमूल इन मिला दी लिंगोड़, जो लिंगोड़ हमूल इन काट है तो इन लिंगोड़े में हमूल मिला दिया, अगले पहले मिक्स कर लो बढ़िया भाई, और भी बाद दूसरे के मिक्स कर वे इनमें रख दो ढक्कन, और हल्की आँच के हमें हल्की आँच कर वे गैस एक एक पकौन। जो मैं ढक्कन डाल दूँ लाभ ढक्कन डाल भी रखें थोड़ा देर जने किस नहीं छोड़ दो, तो एक बीच बीच में मिक्स करते रहो। अब देखा भाई बहनियों ये साग जो बन गो बिल्कुल बढ़िया, यो इसी चेक कर लेन भाई करीब हल्की आंच में और ढक बेर 15 से 20 मिनट में यह जो साग से हमारे पैक गो, और ये बढ़िया एकदम तैयार है गो। यो देखा बहुत बढ़िया है गो यो, ठीक से ना। अब एक हम खोन, और तो इसी जो से यो साग हमून लिंगड़ा के तैयार है गो अब हमारे खाने। तो अब आप लोगों के लिए खान से तो आवा, आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखन हैं, और अगर तुमको हमारे वीडियो भल लगे हो एक लाइक करा, और लोगों के लिए शेयर करा अपन आसपास अपन जानने लोगों के, ताकि उनको लिए जानकारी मिल जाओ। और अगर तुम हमार गलनी कुमावनी टीवी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर है तो भी सब्सक्राइब कर दिया, और अगर तुम हमार और ले वीडियो देखन चाहता और चाहता कि उन तुमों का डायरेक्ट पहुंच जाओ, तो वो घंटी जो बटन हो विकले दबा दिया, ताकि तुमों के हमार वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाओ, और हमार अगल जानकारी हम अपन
चैनल में अलग अलग प्रकार की जानकारी देते रहना। पहाड़ में पलायन कशन रोकी जा, और पहाड़ में हमार के फल फूल हुनी, के पेड़ हुनी, के उनर पेड़ों जानकारी हम देते रहना। उनर इम्पोर्टेंस किस कशिन हम उनर फायदा उठा सकना, और हमार पहाड़ों संस्कृति के बारे में हम जानकारी देते रहना। तो आप सब बोते विनती छ कि आप लोग जो हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब करा। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर कर ले हो तो हमारे वीडियो के लाइक करा, शेयर करा गिल के और लोगों के लिए दिवा, ताकि उन देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला